हेलो एवरीवन अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पायर टारगेट अचीव सो आज पार्ट 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਪੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਸ ਪੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਪੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਸ ਪੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और एक बार जरूर लगा के देखिए अच्छा लगेगा कंटेंट सो स्टार्ट करते हैं जी अज का क्वेश्चन है सब तो पहले ब्लड रिलेशन का सो इत एक गल हो रही है फैमिली की जिद्च बी जो है जी वो फादर है के दो so, अगर मैं ब्लड रिलेशन के तुम रूल्स दसा तो रूल्स के जी अगर तुम्हें देखना है ब्रदर सिस्टर का आपस केन एक सिंगल लाइन दसोगे ब्रदर सिस्टर या ब्रदर ब्रदर मेरा कहने का मतलब है कि सेम अगर आप देखने हैं तो एक सिंगल लाइन यूज होंगी है ब्रदर और मेल है तो पॉजिटिव uh, तो लगता है इतने फीमेल सिस्टर है तो नैगेटिव लगता है अगर जनरेशन गैप दिखाना है जिम्मे कि मदर फादर का रिश्ता डॉटर या पेरेंट का रिश्ता तो फिर इतना वर्टिकल लाइन शो किया जाता और हस्बैंड वाइफ नक्अल टून के न शो किया जाता सो यही रूल्स ने ब्लड रिलेन के सो इत बोलिया गया है कि बी जी फादर है के सो बी फादर है पॉजिटिव लगेगा फादर है कि इतने नहीं पता कि के की है, हले आप कुछ नहीं लगावे कहते बी का सिर्फ दो चिल्ड्रन ने बी दो चिल्ड्रन ने सो एक के हो गया एक के कोई होर हो के इज ब्रदर ऑफ आर के जेड़ा जरा ब्रदर है इतों पता लग गया के का जेंडर ब्रदर है आर का सो इतों पता लग गया कि दो जेड़े बच्चे है बी दे के ते आर ठीक है आर जेड़ी है डॉटर है पी दू पता लग गया कि आर जेड़ी है सिस्टर है मतलब नेगेटिव साइन आएगा तो डॉटर है पी दी पी डॉटर है मतलब बी दी भी तो डॉटर ही है ना सो बी मेल है तो फिर पी और वाइफ होएगी नेगेटिव लगेगा नाल सो इतों क्लियर हो गया ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी ए जड़ी है ग्रैंड डॉटर है पी दी सो so, इतो पी दी ग्रैंड डॉटर है मतलब या तो के दी डॉटर है या फिर आर दी डॉटर है सो so, इत्थे मैं की करूंगी साइड ते इत्थे लिख लूंगी ए इस तरीके दे नाल कि मैं याद रहे हूँ कहते एस इज फादर ऑफ ए एस इज फादर ऑफ ए सो एस फादर है मतलब फादर का मतलब S इत्थे आएगा ए इथे आएगा वो क्यों? क्योंकि फादर दिते हैं ए और फादर दिखते हैं मदर आर है ही ना तो फादर नहीं ना आ सकता एस बोलिया गया है एस इज फादर ऑफ ए सो इस तरीके आ गया हाउ एस रिलेटेड टू के सु बोलेगा एस नुछया जा रहा है हमेशा जो पूछा जाएगा रिलेटिड टू के जोशन मार्क डिजिट हो जिम्मे की इतने एल्फाबेट हो इत धारिश्ता रिलेटिड एल्फाबेट के so, पुछ, पुछ so, क्या बोलेगा एसन के कि है जी? है बोलेगा एसनू जीजा जी है ना ब्रदर इन लॉ ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ना आंसर चलेंगे जी सिक्स टेलर टी वन लिकुलर टेबल सारे ओद सारे का so, बन ही बनया थोड़ा इग्नोर करियो मेरे ड्रॉइंग स्किल्स नो इत मैं बनाती हाँ छे सारे के सारे सेंटर वालू देख रहे हैं टी टू जेकेंड टू द राइट ऑफ टी वन सो so, मैं सपोज कर ली टी वन इत वन से सो राइट, so, राइट है जी इस साइड पहला राइट हो गया सैकेंड राइट हो गया इतने बैठा है टी टू टी फाइव इज टू द इमीजिएट राइट ऑफ टी थ्री चलो हम सा थ्री है ना टी फाइव है यही अपना बाद करा टी थ्री एंड टी फोर आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर मतलब डायगनल बैठे है डायगनल बैठे हैं मतलब ना तो टी वन इतना आएगा ना इतगा सो टी वन टी थ्री और टी फोर वो इसी जगह पर आ सकते हैं सो टी थ्री टी फोर मैं इस तरीके लिख दिनी हूँ नहीं पता कौन इधर बैठा है देयर थ्री ऑफ द फोर गिवन ऑप्शन फॉलो द सेम लॉजिक which of the following does not मतलब इथे ओड वन आउट निकालना है सानू सो सेकंड लाइन जड़ी सी टी5 जड़ा वो इमीडिएट राइट पे बैठा है टी3 दे अगर मैं टी3 नु इथे बिठानी हां तो ओदा इमीडिएट राइट right केड़ा बनया वो बनया जी आ वाला टी फाइव इतने बैठ सकता है अगर टी थ्री इतने बैठ रहा है अगर टी थ्री इतना थ्री इतने बैठ रहा है टी सिक्स इतने आएगा ठीक है सो so, हूँ कहते सेम लॉजिक गए है पहले इन्होंने तीन ओडवन आउट आप निकालना सो टी टू टी थ्री का रिश्ता टी टू और टी थ्री अगले देखते हैं टी फोर और टी सिक्स टी टू और टी थ्री रह और टी सिक्स टी वन और टी थ्री थ्री आ रहा है T1 और टी सिक्स और टी फाइव टी सिक्स और टी फाइव भी एक आ रहा है हूँ इन्ह देखा एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन का फर्क पै रहा होगा दोबारा देखा टी टू और टी थ्री टी टू और टी थ्री इस साइड नी फोर और टी सिक्स टी फोर और टी सिक्स इस बंदा, ठीक है टी वन और टी थ्री टी वन और टी थ्री इतने हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन ठीक है टी सिक्स और टी फाइव के इसी डायरेक्शन सो आन जे इस डायरैक्शन इतने टी वन और टी थ्री वाला अलग डायरेक्शन इतने होना चाहता थ्री और टी वन फिर सही पैना सी। so, ए हो गया जी ओडवन आउट नैक्सट चलोंगे काउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ अच्छा सो इत बिकम्स वाला क्वेश्चन पहले आप जिदा डायरेक्शन होंगे उसी तरीके लिखा ए हो गया सेंटर नोर्थ नोर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट सो ये गया असली डायरैक्शन हूँ मैं लिखूँगी अलग कलर के नाल डिफरेंट डायरैक्शन ठीक है हम क्या मतलब मतलब अगर साउथ ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट मतलब हाँ ये अगर नोर्थ बन जाता नॉर्थ ईस्ट जोड़ा है वह बन जाता है जी वैस्ट और इसी तरीके चलता है मतलब नोर्थ नॉर्थ तो बाद वेस्ट वेस्ट तो बाद आना इतने इतने साउथ और आना है जी साउथ तो बाद ईस्ट इसी तरीके ना एन डबल्यू एस ई ठीक है इतने एन डबल्यू एस ई कऊथ वैसट की बनेगा तो साउथ वेस्ट बनेगा जी ईस्ट ऑप्शन नंबर सी आई होप समझ लगी लग होगी एक बार ड्रॉ करके देखियो पक्का लगेगी नैक्सट चल रहे हैं।

कोडिंग वाला क्वेश्चन सो ए का मतलब एडिशन है बी का मतलब डिवीजन है सी का मतलब सब्रैक्शन डी का मतलब मल्टीपीकेशन दैन इस इक्वेशन का सूर्य दसना है सो फोर डी का मतलब मल्टीपीकेशन मल्टीप्लाई फिर ब्रैकेट आ गई का मतलब एडिशन सी का मतलब सपट्रैक्शन ए का मतलब एडिशन सिक्स बी का मतलब डिवीजन सी मतलब सपट्रैक्शन सैवन सो एक्ुएशन बन गई सोल्व करा जो फोर मल्टप्लाय बायर माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस सैवन सो इन सॉल्व करा तो सिक्सटीन माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस सेवन, सिक्सटीन माइनस टू माइनस सेवन, फोरटीन माइनस सेवन, सेवन सैवन आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी सो बोर्ड मास लगाया सिंपल सब तो पहले ब्रैकेट सॉल्व की फिर उस मल्टीप्लीकेशन सोल्व की फिर मा प्लस और माइनस किया ठीक है नैक्सट चल रहे कोड लैंगज के बीसी डी निख्या जा रहा है ए बी सी डी निख्या जा रहा है टू फोर सिक्स एट और ई e, एफ जी एच निख्या जा रहा so, so, है वन थ्री फाइव सैवन सो कैज नवे लिखा गया सो इतों सी निकाल के आप सी है सिक्स ए हैगा टू जी हैगा फाइव और ई e हैगा वन सो सिक्स टू फाइव वन आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी फिर आ गया जी कोडिंग टू फिफ्टी सिक्स है मतलब है रेड कलर है मतलब ग्रीन कलर चौक फिर उस तो बार है जी, टू फिफ्टी फोर ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਚਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਲਰ ਚਾਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ 25 ਕਾਮਨ ਔਰ ਇਧਰ ਹੈਗਾ ਕਲਰ ਚਾਕ ਕਾਮਨ सो so, इतने रह गया जी कला फोर दिना मतलब है वाइट ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा नैक्सट चलेंगे जी अ परसन वॉक्स ट्वेल्व किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ सो so, पहले डायरेक्शन बना लिया नॉर्थ ईस्ट वैसट साउथ इधरों गया बारह किलोमीटर नॉर्थ की साइड बारह किलोमीटर नॉर्थ की साइड और उस तो फिफ्टीन किलोमीटर गया जी ईस्ट दाइड और उस नाइनटीन तो किलोमीटर गया वैस्ट दॉर्थ दैन फिफ्टीन किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट दैन नाइनटीन किलोमीटर टूवर्ड्स वैस मतलब इतो न्यूटर्न लिता फिफ्टीन हो गए ए वाले और फोर किलोमीटर अगे नाइनटीन बन गया टोटल इधर वैसट वाली साइड और उसफटीन तो किलोमीटर गया जी साउथ वाली साइड यानी कि बारह इधर हो गए और तीन अगे फिफ्टीन किलोमीटर साउथ वाली साइड सो हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट तो कि डिफरेंस है स्टार्टिंग पॉइंट तो डिफरेंस हैगा जी एदा अगर आप निकालना होगा फोर इथे है तीन सो ए आप निकालना सो हाईपोटिन्यूज किमें निकल दिया अगर मैं देव इतने ए बी और सी सो ए सी इज इक्वल टू ए बी स्ेयर प्लस बी सी स्के ए सी आ गया जी ए बी का स्केयर है गया जी थ्री दर नाइन और बीसी है गया जी फोर द स्केर सो so, इतने आ गया नाइन प्लस सिक्सटीन, ट्वेंटी फाइव दैट इज फाइव फाइव किलोमीटर ऑप्शन नंबर एड आंसर आ जाएगा नेक्स्ट है गया जी अरेन्ज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी सो डिक्शनरी देर्डिंग चलना है दे इनू अरेज करना है सो so, सारे i n v i n v i n v i n v कोमन है उस तो बाद सब तो पहले आता है e o i a सब तो पहले आता है a फोर्थ वाला सब तो पहले आएगा अरेंज द फॉलोइंग इन द फोर्थ फोर्थ वाला सब तो पहले आएगा फिर उस तो बाद a तो बाद आएगा जी e यानी कि पहला फिर उस तो बाद i थर्ड वाला फिर आएगा 2 सो ये बन जाएगा आंसर 41 थ्री टू नैक्सट करा खोजी क्वेश्चन आया अगला की एच्ता गया है कि ब्रड रिलेशन का क्वेश्चन है सू रूल्स पता है सब के सो पी दे फादर है जी, क्यू का पी फादर है क्यू का बट क्यू जो सन नहीं है पी का सन नहीं है मतलब डॉटर है क्लियर एस जो है वाइफ है पी दी और आर जो है सन है एस का सो सन है एस का मतलब क्यू का ब्रदर हो ठीक है हाउ इज़ क्यू रिलेटिड टू एस क्यू जो एस नवे रिलेट करेगा मतलब एस क्यू न्या बोलेगी वह बोलेगी डॉटर ऑप्शन नंबर बी थैंक यू सो मच गाइज आई होप कि क्लीयर हुए हो सारे क्वेश्चन अगर कोई क्वेरी होंगी है तो प्लीज़ मैं कमेंट सैक्शन दस्योता कि मैं तुम सॉल्व करके दस सक कि आंसरस है सो थैंक यू सो मच मिलते हैं कल पूरे सत्त बजे